तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, और मैं जा रहा हूँ वापस से डॉक्टर के पास। आज मेरा है अपॉइंटमेंट 7 बजे का, बट मैं काफ़ी पहले निकल गया हूँ क्योंकि 7 बजे से पहले जाना चाहता हूँ, क्योंकि थेरेपी भी है, थेरेपी से समय लेना पड़ता है। सो मैं सोच रहा हूँ कि 5:30-6 बजे तक पहुँच जाऊँ, और मैं अभी आ गया हूँ स्टेशन के पास, जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए। टिकट लूँगा और फिर यहाँ से जाऊँगा डॉक्टर के पास। मैंने कॉल भी किया था एक बंदे को जिसका नाम साहिद है क्लिनिक में, कि मैं पहले आ सकता हूँ क्या, मेरा काम हो जाएगा क्या, बट उसने उठाया नहीं, तो मैं अभी वापस से कॉल नहीं किया और मैं जा रहा हूँ अभी डायरेक्ट वहीं पे क्लिनिक में। सो दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ पे टिकट लेने के लिए। यहाँ टिकट मिलेगा, देख सकते हो, यहाँ पे मैं मशीन से लूँगा क्योंकि लाइन लगने वाला काम नहीं, और यहाँ मशीन से जल्दी हो जाएगा और खाली भी है, तो टिकट लेते हैं पहले, देखते हैं। यहाँ पे मशीन ख़राब थी, मैंने चेक किया, अभी मैं जा रहा हूँ इसमें से लेने के लिए। ये चल नहीं रहा है प्रॉपर, इसको कैंसिल कर देता हूँ। सो दोस्तों मैंने टिकट ले लिया है, और ये 10 रुपये का टिकट है, 11 किलोमीटर के डिस्टेंस है और 10 रुपये का टिकट है। अभी देखते हैं ट्रेन का बात, ये आज संडे है, संडे का थोड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रेन का यहाँ पे। सो देखते हैं। सो दोस्तों वेट कर रहा हूँ ट्रेन का, और ट्रेन आएगी 3:50 पे, 2 मिनट कम है, तो 2 मिनट के बाद ट्रेन आएगी और मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये रहा मेरा टिकट, और आज संडे है तो ट्रेन थोड़ा लेट पे आती है, बट मैं ठीक टाइम पे पहुँचाऊँ, मतलब 2 मिनट पहले पहुँचाऊँ। सो देखते हैं, जाते हैं आज डॉक्टर के पास, बताते हैं क्या है अपडेट, क्या है फीडबैक, सब बताऊँगा मैं कि कितना कंट्रोल में है, कितना इम्प्रूवमेंट है, और दवा चेंज करके मिलता है या वही मिलता है, आई डोंट नो। सो लेट्स सी क्या होता है। ये देखो संडे को स्टेशन पूरा खाली है, मतलब कि इतना खाली नहीं रहता है, काफ़ी भीड़ रहता है, इधर भी उधर भी सेम। इधर से आएगी मेरी ट्रेन, जाना है हमको इधर। ट्रेन आ चुकी है, तो दोस्तों मुझे मिल गई है सीट बैठने के लिए, और मैं बैठ गया हूँ विंडो के पास। सो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाहर स्टेशन से, और अभी जा रहा हूँ, यहाँ से लगेगा पैदल 15 मिनट, और उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा। तो फिलहाल मुझे लग गई है भूख, तो मैं कुछ खाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। सो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये मेघालय हाउस है, और इसके बगल में एक असम हाउस है। तो यहाँ पे मतलब पूजा वूजा करने का जो बिल्डिंग है, ये पूजा वाली है, ऊपर शायद रहते भी हैं लोग, क्योंकि ऊपर रेसिडेंशियल टाइप का बनाया हुआ है, तो शायद ऊपर रहते भी रहेंगे, और नीचे कुछ तो है। तो ये जो गेट है ये काफ़ी यूनिक है, इसको मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो गेट है, गेट पे जो डिज़ाइन और कलर है वो सेम असम का जो गमछा होता है जो वो लोग पहनते हैं और रखते हैं, सेम टू सेम वैसा ही है बिल्कुल। और इसके लिए मैं रुक गया यहाँ पे, देख रहा था उसको। सो चलो ये है, काफ़ी अच्छा बिल्डिंग है, और फ़िलहाल मुझे जाना है आगे, और आगे से लेना है लेफ्ट। सो गाइस मुझे लग गई है प्यास, और मुझे दिख गया है मटके का पानी, और वापस से मैं वहीं रुक गया हूँ जहाँ लास्ट टाइम रुका था। तो यहाँ पे मैं रुकता ही हूँ, और प्यास भी लगी है, तो पहले बोतल में पानी भरूँगा, पीऊँगा, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। मटके के पानी पहले एक था, अभी 3 हो गया। सो लगता है तीनों में भरा हुआ है, पहले सिर्फ ये बड़ा वाला था बीच वाला, और अभी 3 के 3 हो गए। बड़े वाले में से भर रहा हूँ, नहीं तो आधा इसमें से भरता हूँ, आधा छोटे वाले में से भरता हूँ। मटके में पानी पीने का जो टेस्ट है वो अलग ही है, नेक्स्ट लेवल। आधा हो गया इसमें से, आधा नए वाले से भरता हूँ भाई। ये हो गया, काफ़ी चिल्ड है, एकदम से ठंडा है, बिल्कुल ही ठंडा है। मैंने पानी भर लिया, अभी इसको पीते हैं थोड़ा। इतनी चिल्ड पानी थी, और जो टेस्ट था काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट था मटके का पानी का, काफ़ी ठंडा था, मज़ा आ गया पी के। और मैंने बोतल में भी डाल लिया आधा बोतल, तो बाद में पीने के लिए, क्योंकि बाद में वापस आने के बाद उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब बहुत जल्दी खाली भी हो जाता है। लास्ट टाइम आया था तो ऑलमोस्ट खाली था।
सो भाई मैं पहुंच चुका हूं क्लिनिक वाली जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में पहुंच गया हूं। अभी जाना है ऊपर और जाकर देखते हैं क्या होता है। भीड़ है, लाइन लगाना पड़ेगा या फिर 7 बजे का जो टाइमिंग है उसी पे हमको मिलना डॉक्टर से, या अभी पहले भी हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है पहुँच के। डॉक्टर बत्रा इधर जाना है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं बिल्डिंग के अंदर और मैं क्लिनिक के बाहर, अंदर सूट नहीं कर सकता, तो मिलते हैं बाद में। सो दोस्तों डॉक्टर से मैंने मिल लिया और थेरेपी भी ले लिया है और क्या क्या हुआ वो सब मैं बताऊंगा आपको। सो फिलहाल मैं अभी बाहर जा रहा हूं। सो गाइस मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं स्टेशन के पास और मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्टर ने क्या बोला फिलहाल। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को डॉक्टर ने क्या क्या बोला और क्या क्या हुआ। सो सबसे पहले डॉक्टर के पास मैं गया तो थेरेपी लिया 20 मिनट का थेरेपी लेने के बाद फिर डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने चेक किया, पूछा, वेट किया मेरा कितना वेट है आपका, और उसके बाद फिर उन्होंने मशीन के थ्रू मेरा जो डैंड्रफ का इशू था वो चेक किया कि इतना डैंड्रफ कम हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने दवा दिया, वापस से दवा दिया, कुछ चेंज करके दिया। और मैंने बताया उनको कि थोड़ा सा कंट्रोल में है। उन्होंने पूछा, डॉक्टर ने पूछा कि कितना कंट्रोल में, कुछ फ़ायदा हुआ बताओ आप कि क्या चल रहा है। तो मैंने सब बताया कि करके कि हाँ मुझे तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो उन्होंने अभी बोला इम्प्रूवमेंट अब दिखना शुरू हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि हाँ आपका बाल जो है, हेयर फॉल जो है कंट्रोल में है। और मैंने भी चेक कर लिया अपने हाथों से तो मेरे हाथों में भी नहीं आ रहा है। सो दवा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके दूंगी उसमें, और आप कंटिन्यू दवा लो, न्यूट्रिशन लो और जो पाउडर दे रही हैं वो भी लगाओ, सब कुछ रेगुलर लो। जो भी है प्रॉब्लम वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और कंट्रोल में हो जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में हुआ है और ज़्यादा कंट्रोल में लाना है इसको। डॉक्टर ने बोला कि आप खुश हो अभी, क्योंकि मैं बहुत पहले जब जाड़ा, जब मेरे फॉलोअप थे हर महीने, तो मैं बोल रहा था कि अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ, आगे क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा है। तो वही डॉक्टर बोल रहे थे कि क्या अभी आप खुश हो कि नहीं हो। मैं बोला खुश तो हूँ बट उतना नहीं हूँ, क्योंकि अभी बहुत कम हुआ है कंट्रोल। जब लगेगा कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ तब मैं बोलूँगा कि हाँ मैं 100% खुश हूँ और तब बताऊँगा। तो उन्होंने बोला कि वो भी हो जाएगा, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा। अभी के लिए दवा लो, दवा खाओ और न्यूट्रिशन कंटिन्यू लो और नींद भरपूर लो और स्ट्रेस नहीं लेना। सो ये सब चीज़ें बताया डॉक्टर ने, जो कि हमेशा बताती। सो गाइस मैं आपको मेडिसिन दिखा देता हूँ कि मेरे को मेडिसिन कौन कौन सा मिला है। और पहले वाला जो दवा खा रहा था, मेडिसिन खा रहा था, उस वही है, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आई डोंट नो। अंदर में मैंने खोल के नहीं देखा है, जो पॉकेट मिला है वैसे ही पॉकेट पड़ा है। सो दोस्तों मैं आपको मेडिसिन दिखा देता हूँ एक बार। ये है मेडिसिन, 2 टाइम खाना है इसमें से भी, 2 टाइम खाना है इसमें से भी। और ये देखो ये कैसे खाना रहता है, इधर लिखा है डोज, इधर देखो इधर भी लिखा है 2 टाइम, मतलब सुबह शाम खाना है। और भी ये दिया है उन्होंने, ये आई थिंक डैंड्रफ का है, इसमें से भी 2 टैबलेट 2 टाइम खाना है। और इसके अलावा ये तो पहले का है, इसके अलावा उन्होंने एक और दिया है, ये जो कि पाउडर है, स्काल्प लिखा है, स्काल्प के ऊपर लगाना है दही में डाल के, तो ये वाला है। सो ये हो गया, अभी मैं इसको रख देता हूँ वापस। तो आज का वीडियो, आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।